आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम सभी फिर से सेरिकल्चर के मंच पर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में रोमिल पांडे जी, चिर परिचित हमारी शख्सियत, हमारे साथ पुनः जुड़े हुए हैं और रेशम कीट पालन से संबंधित कुछ तकनीकी जानकारियां देने के लिए। आज एक बेहतरीन विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैं जल्दी से मुद्दे पर आता हूँ कि मुद्दा क्या है कि जब रेशम कीट पालन होता है तो उस दौरान जो एक्सटेंशन वर्कर का मतलब है कि जो रेशम विभाग से संबंधित कर्मचारी होते हैं फील्ड पर, वो लोग किसानों के घरों में जाकर के उनको गाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई समस्या तो नहीं आ गई उनके कीट पालन के दौरान, कोई तकनीकी समस्या या कोई अन्य समस्या ऐसी जिसको दूर करने में वो इनकी हेल्प कर सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। लेकिन उस दौरान उन एक्सटेंशन वर्कर्स को भी, उन विभागीय कार्मिकों को भी क्या सावधानियां ऐसी बरतनी चाहिए ताकि रेशम का उत्पादन बेहतरीन हो सके। मैं अनुरोध करूंगा रोमिल जी से कि आप कृपया इस बिंदु पर प्रकाश डालें कि वे क्या ऐसी सावधानियां बरतें। धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि हमने चर्चा भी पहले करी है कि रेशम कीट पालन किसानों द्वारा किए जाने वाला कार्य है और वो किसान जो भी रेशम कीट पालन में जो भी कार्यवाही करी जानी है या जो भी सावधानियां बरती जानी है उसका पूरा उपयोग वो या उसकी पूरी जानकारी एक बार कह लें कि वो जो प्रसार कार्मिक होते हैं उस क्षेत्र में जो रेशम कार्यों से जुड़े होते हैं उनके दिशा निर्देशों में करते हैं। और जब भी कोई समस्या किसी किसान को कीट पालन के समय आती है तो अंततः वो उस प्रसार कार्मिक की ही मदद लेता है। तो ऐसी स्थिति में समय समय पर हमारे प्रसार कार्मिक उन किसानों के घर जाते हैं और उनकी समस्याओं का, तकनीकी समस्याओं का या प्रबंधन संबंधी कोई भी जानकारी देनी हो उसको वो देते हैं जिससे वो कीट पालन कार्य को कर सके। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सिर्फ उस कीट पालन जो भवन है या उपकरण है या कक्ष है उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ किसान के ऊपर ना छोड़ें, हम प्रसार कार्मिक भी, क्योंकि अलग अलग जगहों से हम आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कीट पालकों के यहाँ, जिनके यहाँ हो सकता है किसी यहाँ कोई बीमारी हो या किसी के यहाँ कोई ऐसी समस्या हो जिसका कि निदान हमने वहाँ तो कर दिया लेकिन उस समस्या को, उस बीमारी को हम अपने साथ लेते हुए आ गए और हम ऐसे किसान के यहाँ चले गए जहाँ पर कि हमने उस बीमारी के लक्षणों को छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में प्रसार कार्मिकों के लिए भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उचित तरीके से किसी भी कीट पालन की कीट पालक यहाँ जाएँ और उस वही चीज़ें अपनाएं जो कि किसान को करनी है, यानी कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अमूमन ऐसा होता है फील्ड पर कि जैसे एक एक्सटेंशन वर्कर है जो कार्मिक है वो किसान के घर गया और उसके फील्ड में हम समझ सकते हैं कि 50, 60, 70, 80, 100 परिवार भी होंगे जिनके घरों में उसे जाना है इस दौरान और देखना है कि कीट पालन सही चल रहा है नहीं चल रहा या कोई सी समस्या आ गई है। तो अब वो एक दिन में मान लिया कि 10 घरों में चला जा रहा है कहीं, तो 10 घरों में वो एक ही दिन में जब जा रहा है, और अमूमन सी बात है कि रोमिल जी ऐसा लगता है जैसे ये बड़ा सेंसिटिव सा कीड़ा है, बड़ा संवेदनशील कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा है और इस छोटे से कीड़े को भी ना दिखने वाले छोटे से कीड़े, मतलब कि कीटाणु या कोई और जम्स जिन्हें हम कहते हैं, वो इन्हें लग करके रोग दे सकते हैं, बीमारी दे सकते हैं, फिर सारी फसल नष्ट कर सकते हैं। तो इतने संवेदनशील कीड़े को वो एक जगह यानी जाते हैं और वहाँ पर कोई बीमारी है तो उसका प्रसार दूसरी जगह कर सकते हैं, ऐसी भी तो संभावनाएं हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें जो बिना दिखा हुआ कीड़ा है या बिना दिखा हुआ जो बीमारी का विषाणु जीवाणु है वो कैसे आपके साथ चला जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। वो ये नहीं देख रहा है कि किसान के माध्यम से जा रहा है कि रेशम प्रसार कार्मिक के माध्यम से जा रहा है। तो ऐसे में जिस घर में, देखिए, जो प्रसार कार्मिक जाता है उसका उद्देश्य ये होता है कि वो किसान को तकनीकी रूप से दक्ष कर सके, उसकी समस्या का समाधान कर सके और वो प्रयास भी करता है मौके पर उस चीज़ को, किसी के अगर कोई बीमारी है तो पूरा उचित मार्गदर्शन करता है और उस बीमारी वाले कीड़ों को अलग करके उसको दफना कर, उसको जला कर, जैसा भी वो उसमें माध्यम अपनाता है उसका निदान कर देता है। लेकिन फिर वही प्रसार कार्मिक, क्योंकि वो विजिट कर रहा है किसी दूसरे उसी गाँव के किसी ऐसे किसान के यहाँ चला जा रहा है बिना अपने आप को विशुद्धि करण कराए हुए या अपने बिना उसको हाइजीन मेंटेन करे हुए, तो बहुत संभावना है कि उसके साथ वो बीमारी जो पहले किसान के यहाँ कीड़ों में थी वो भी वहाँ पर चली जाए, क्योंकि वो जाके वहाँ उसको देखेगा, कीड़ों को देखेगा या उसको बताएगा, जानकारी देगा तो उस कक्ष में प्रवेश करेगा उन बीमारियों के साथ। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो सामान्य तौर पर हम सर ऐसा करते हैं जो कि हमारे रेशम प्रसार कार्मिक होते हैं कि वो अपने साथ कुछ इस तरह के विशुद्धिकारक लेके चलते हैं सूक्ष्म रूप से, जैसे हमने सैनिटाइजर की बात करी वो सैनिटाइजर को यूज़ कर लेते हैं, या बहुत सारे रेशम प्रसार कार्मिक होते हैं वो साबुन साथ में लेके चलते हैं। किसी भी कक्ष में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले वो अपने जूते चप्पल को बाहर उतारते हैं, साफ़ पानी से हाथ धोते हैं,
उसके बाद साबुन जो अपने साथ रखा है लिक्विड फॉर्म में या जो भी उनके पास है उससे धो के ही अंदर जाते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। इससे जो अच्छा किसान है जिसका कीट पालन अच्छा चल रहा है वहाँ बाहर से कोई बीमारी उसके पास नहीं आ पाती। तो वो जो कार्मिक है हमारा, हम ये सोच सकते हैं कि मान लिया कि बगल में किसी अन्य किसान के वहाँ उसने ढंग से पालन नहीं किया, या फिर पहले से ही उसके कीड़े में कोई बीमारी थी और उसके पास बीमारी आ गई उस किसान के पास, और हमारा जो विभाग से संबंधित जो कार्मिक होता है वो वहाँ तक पहुँचता है और उसको बताता है कि भाई तेरे वहाँ फला फला बीमारी हुई है और तू इसका निदान इस दवाई को डाल करके या इस प्रकार से करेगा। उसके बाद कोई अन्य किसान जिसके वहाँ अच्छा कीट पालन हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है, उसके वहाँ वही कार्मिक देखने जाता है कि उनके वहाँ कीट पालन कैसा चल रहा है आखिर, या फिर वो किसान उसे इनवाइट करते हैं कि साहब आकर के हमारे वहाँ भी देख जाइए कि हमारे वहाँ कीट पालन कैसा चल रहा है, तो वहाँ जाकर भी वो इसको फैला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसान हमेशा चाहेगा कि उसके यहाँ तकनीकी कार्मिक आके उसको समय समय पर जानकारी देते रहें, गाइड करते रहें, जिससे कि अच्छा रेशम कीट पालन हो सके। लेकिन अगर ये स्थिति बनती है कि किसी एक के यहाँ किसी कारणवश अगर कीट में कोई बीमारी आई है, वहाँ पर प्रसार कार्मिक गया और वहाँ पर उसने उसको देखा, उपाय करे, लेकिन फिर वही प्रसार कार्मिक बिना किसी सावधानी के लिए या बिना साफ सफाई मेंटेन करे दूसरे के यहाँ चला जाएगा, तो जहाँ पर अच्छा कीट पालन चला है तो वहाँ पर भी ये बीमारियाँ हो सकती हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि हर बार जब भी वो किसी नए किसान के यहाँ जा रहा है तो वही प्रक्रिया अपनाए, जूते चप्पल बाहर उतारे, हाथों को धो के जाए, और कीड़ों में जहाँ तक देखे एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, कभी कभार ऐसा होता है प्रसार कार्मिक हमारे जो कहीं पर कोई बीमारी है कीड़ों में तो उसको हाथ से छू लेते हैं, और वो हाथ के माध्यम से वो दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ भी अगर कीड़ों को या उपकरणों को हाथ से छू लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो ऐसे में सलाह ये दी जाती है कि कभी भी अनावश्यक रूप से कीड़ों में हाथ ना लगाएं। मेरे ख्याल से तो हाथ लगाना ही नहीं चाहिए, अगर बहुत ज़रूरत भी है कोई बीमारी की कीड़ों को आइडेंटिफाई करने की तो एक लकड़ी की चॉपस्टिक का उपयोग किया जाना चाहिए, और उस चॉपस्टिक के माध्यम से आप जो रोगग्रस्त कीड़ा है उसको उस ट्रे से बाहर करके कहीं दफना दें या ब्लीचिंग के जो पाउडर है उसमें डाल दें, जिससे कि आपके हाथ इस तरह की बीमारी से सुरक्षित रहें और वो दूसरी जगह पर उसका प्रसार ना करें। इसका मतलब है कि जब हम एक किसान से दूसरे किसान के वहाँ जा रहे हैं और उस समय हम तो बड़े अच्छे से उद्देश्य के साथ जा रहे थे कि उसका कीड़ा अच्छा होगा, उसको कीट पालन की समस्या से मुक्ति मिलेगी और वो अच्छा रेशम कोई का उत्पादन करेगा, लेकिन हम ही अच्छी सोच करने जा रहे थे, लेकिन अज्ञानतावश या कम जानकारी वश हमने उसको अच्छा करने की बजाय और नुकसान पहुँचा दिया। तो ऐसी स्थिति में कि हम सावधानी का मतलब रोमिल जी का, मेरे साथ जुड़े हुए तकनीकी विशेषज्ञ जी का, ये सावधानी का कहने का मतलब है कि हम जब एक किसान से दूसरे किसान के घर पर जा रहे हैं तो हम अपने आप को सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज करने का मतलब है कि अपना विशुद्धिकरण, मतलब कि जो हमारे हाथ या हमारे पैर या किसी तरीके से हमारे जरिए वो कीटाणु विषाणु वहाँ जा सकते थे उनको रोक लें, मतलब अपने हाथ को विशुद्धि कारक से अच्छे से धो करके दूसरे के घर जाएं, अपने पैर अपने जूतों को चूने से सैनिटाइज करते हुए या फिर जूतों को बाहर उतार के वहाँ अंदर कोई नई चप्पल पहन करके अंदर जाएं जो अंदर के लिए ही बनी हुई है, मतलब ऐसे सारी सावधानियां तौर तरीके इस्तेमाल करते हुए जिससे कि वो छोटे ना दिखने वाले कीड़े जो कोरोना काल में, जैसे कि कोरोना काल में कोरोना का वायरस हमें नहीं दिखता था फिर भी नुकसान इतना बड़ा कर गया पूरी मानव सभ्यता का, तो ऐसे ही वो छोटे से उस कीड़े की सभ्यता का नुकसान कर जाएंगे और हमारी आने वाली आय को ख़त्म कर देंगे। तो हम बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे होंगे लेकिन वो एक ऐसा हो रहा होगा कि जैसे हम कहें कि अंधी मेहनत, जो जरूरी तत्व थे हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा ही होगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए रेशम उत्पादन किसान और प्रसार कार्मिक दोनों की ही सफल मेहनत से ही अच्छा रेशम उत्पादन होगा, तो दोनों ही पक्षों को, चाहे वो किसान है वो तो अपना उत्पादन करेगा और उसको पूरा ध्यान भी रखेगा, लेकिन जो रेशम कार्मिक है जिसका सर ने कहा कि उद्देश्य यही है कि रेशम का उत्पादन हो, किसान की आय में वृद्धि हो, तो उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि वो तकनीकी जानकारी का स्रोत है, और वही अगर इस तरह की लापरवाही कर जाएगा तो फिर वो किसान भी उसकी देखा देखी उतना ध्यान नहीं रखेंगे, वो भी बहुत कैजुअल वे में या बहुत ही उस तरीके से कीट पालन करेंगे, तो ऐसे में प्रसार कार्मिक की जिम्मेदारी बनती है कि एग्जाम्पल सेट करे जिसका कि अनुपालन किसान भी अपने घरों में कर सके। मैं समझता हूँ कि हमने रोमिल जी से बहुत अच्छी अच्छी ऐसी जानकारियाँ आज जानी कि जो विभाग के एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, प्रसार कार्मिक हैं, जो फील्ड पर जाकर के किसानों के बीच काम करते हैं बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ कि उनके साथ जुड़े हुए लोगों का विकास कर सकें, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकें,
तो ऐसे लोगों का वाकई अगर हम उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं तो आंख और कान खुले रख के काम करें, मतलब तन और मन दोनों, दिमाग को भी लगा करके चलें, केवल हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करके चलें। तो हम जब इन जानकारियों को रखेंगे तो मैं समझता हूँ हम लोग फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे किसान जो अंतिम उद्देश्य है उनकी आजीविका को हम बहुत बेहतरीन तरीके से वृद्धि कर सकेंगे। मैं साथ में जुड़े हुए रोमिल जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि आप समय समय पर हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं और मेरे किसान बंधु इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। जुड़े रहिएगा किसान बंधु, क्योंकि हम ऐसी चौपाल पर चर्चा अक्सर करते रहेंगे सेरिकल्चर के मंच पर। आपको आगामी समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।